Very good evening, all of you. Before I start the session, can I quickly have a feel of your आप सभी ने मेरे हिसाब से गेट लिखा है तभी आप यहाँ आए हो, ठीक है, कि गेट के बाद क्या होगा, है ना। बहुत सारे सवाल होंगे आपके दिमाग में, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा, हर तरह के पहलू को टच करने की कोशिश करूंगा। बट बिफोर आई स्टार्ट स्पीकिंग और बिफोर आई टेक यू थ्रू अ स्मॉल पीपीटी विच आई मेड फॉर यू गाइज, क्विकली चाहता हूँ कि चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि what is the expected scores you are getting. I will not name you, please. I'll make sure that out of 100. Okay, Ishant, okay, Kiran, yeah, Heath, we will definitely be doing that, don't worry about that. Main bataunga aapko ki Getflix ka kya plan hai aage 2022 ke liye, that also I'm going to discuss. But first main janna cha raha tha ki mere paas jo audience hai unke typically kya scores hain, theek hai. Okay, Jaydeep, okay, great. Okay, so I have a mixed bag of students. ठीक है, fair enough. So ज्यादातर का स्कोर जो है वो सिमिलर रेंज में है, या नो प्रॉब्लम सिद्धांत, ओके, fair enough. Okay, 29, okay, ठीक है, okay. So most of you are getting scores from 20 to somewhere around 40, many of you. Few of you are also getting its score from 40 to 60, and 3-4 of you have got given me 60 plus. ठीक है, so मैं सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करूंगा, डिटेल में ज्यादा बात करूंगा पीपल स्कोरिंग बिटवीन 20 टू 50 या 15 से 50 के पास जिसका स्कोर आ रहा है टिपिकली. आई एम गोना टॉक मोर अबाउट दोज किड्स बिकॉज दो वो लोग ज्यादा ही चिंतित हैं और उनकी दुविधा ज्यादा है. जिसको 60 प्लस आ रहा है वो तो थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड है कि अब मुझे आगे क्या करना है. दैट पर्सन विल डेफिनेटली बी प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज. ठीक है, आपको इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना भी चाहिए. ठीक है, क्योंकि पीएसयू में जाओगे या आईआईटी में जाओगे तो इंटरव्यूज होगा. मैं पहले मेरे को अपनी बात खत्म कर लेने दीजिएगा, धैर्य. एब्सोल्युटली मैंने बताया धैर्य. आई विल बी टॉकिंग अबाउट स्कोरिंग 15 से लेके 50 तक, 15 से 50, 15 से 50, सबके बारे में बात करूंगा मैं. डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस. ठीक है, देखिए मैं एक छोटा सा पीपीटी भी चलाऊंगा, तो मेरा सजेशन है कि प्लीज अभी अपना कोई भी सवाल चैट बॉक्स में ना डालें. मेरे को एक बार पूरी बात खत्म कर लेने दीजिए, आप इत्मीनान से सुनिए इन बातों को. ठीक है, एक बार पूरी बात खत्म कर लेने दीजिए. आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह की सिचुएशंस होती हैं, क्योंकि मैं पिछले 11 सालों से देख रहा हूँ कि काफी सारे बच्चे जो हैं क्या क्या तरीके के एक्शंस लेते हैं और किस तरीके से वो लोग आगे मूवमेंट करते हैं. ठीक है, सो आई एम गोना टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, इत्मीनान से सुनना, 15-20 मिनट के लिए मैं बात करूंगा. उसके बाद आपके जो भी सवाल होंगे, यू नो स्पेसिफिक जो भी सवाल होंगे, एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क, डेफिनेटली आई विल लव टू आंसर ऑन दैट लाइंस आल्सो. ठीक है, एंड आई विल आल्सो टॉक अबाउट अ बिट ऑन व्हाट गेटफ्लिक्स इज प्लानिंग. ठीक है, हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं एज अ कंपनी. सो लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इज हैपनिंग इन गेटफ्लिक्स. गेटफ्लिक्स 2.0 वर्जन इज कमिंग इन द मंथ ऑफ मे. ठीक है, जहां पर आपकी ऐप का रिवैम्प हो रहा है, वेबसाइट पे रिवैम्प हो रहा है, नया कंटेंट हो रहा है. गेट 2021 तक के क्वेश्चंस रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिलाए जा रहे हैं बच्चों को. सो लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आर हैपनिंग. आई विल अपडेट यू अबाउट दैट थिंग्स आल्सो. मैं आपको वो भी सब बताऊंगा. सेल्फ स्टडी करना है तो उसके लिए भी क्या प्लान होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, वो भी डिस्कस करेंगे. और व्हाट शुड बी द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन, वो भी सारा डिस्कस करेंगे. तो मुझे 15 से 20 मिनट देना पहले. ठीक है, लेट मी फिनिश अप ऑल दीज थिंग्स और उसके बाद आपके जितने भी सवाल होंगे इत्मीनान से आई विल आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस. ठीक है, चलिए. सो एक मैंने आपका एक छोटा सा फील ले लिया है कि व्हाट ऑल स्कोर्स यू हैव. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द मासेस, यू नो, जो हमारे ज्यादातर बच्चों के स्कोर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज द एजेंडा फॉर द डे. ठीक है, गेट इज ओवर, गेट 2021 इज ओवर. ठीक है, विद लॉट ऑफ स्पेकुलेशन ऑन एमएसक्यू में क्या आएगा, किसी किसी ब्रांच में एमएसक्यू आया ही नहीं. ठीक है, आंसर की में अभी भी चैलेंज है. अच्छा, बाय द वे आपको बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है थ्रू डिफरेंट कीज एंड आंसर कीज विच यू आर चेकिंग, और आप क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं तो करना. ऐसा मत सोच लेना कि दुनिया वाले कर रहे होंगे तो मुझे भी फायदा मिल ही जाएगा. देखो, आईआईटी दो तरीके से क्वेश्चन को देखेगी. पहला, हो सकता है उस क्वेश्चन को यूनिवर्सली वो सबको मार्क्स दे दे. ठीक है, दैट इज वन. तो उस केस में तो आपको मार्क्स मिल जाएगा. सेकेंड, आईआईटी का क्लेम ये भी हो सकता है कि अगर बच्चे ने वो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है, तो
तो फिर मैं उसको मार्क्स नहीं दूंगा, या उसने क्लेम नहीं किया है कि मेरे को मार्क्स मिलना चाहिए तो उसको मार्क्स नहीं दूंगा। सो वो 500 रुपया जो भी मांग रहा है उसको पे करके प्लीज मेक श्योर दैट यू आर चैलेंजिंग द क्वेश्चन इन केस यू वांट दैट मार्क्स। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको चैलेंज लगता है तो देर आर सर्टेन क्वेश्चन इन फ्यू ऑफ द ब्रांचेस जहां पे आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, सो वट नेक्स्ट। ठीक है, दिस इज द बिग क्वेश्चन आज जो हम बात करने वाले हैं। और जस्ट गिव यू अ ब्रीफ प्रोफाइल, मैं 11 साल से बच्चों को पढ़ाता हूँ एंड जितने भी मैं व्हाट नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ ये मैं इतने सालों के बच्चों ने क्या किया है उसी के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, सो लेट्स क्विकली मूव टू द पीपीटी। फर्स्ट थिंग, आई हैव 3 चॉइसेस। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने गेट लिख लिया है। ठीक है, और गेट लिखने के बाद आपका स्कोर आप जो चाहते थे वो नहीं आया। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ, आप जो चाहते थे वो स्कोर नहीं आया। ठीक है, द्विज एज ऑफ नाउ दिस इज सेशन इज लाइव गोइंग ऑन, सो प्लीज मेक श्योर दैट यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। आई हैव 3 चॉइसेस, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसका पेपर बहुत अच्छा नहीं गया है। ठीक है, अभी मैं थर्ड ईयर वाले बच्चों को एड्रेस नहीं कर रहा हूँ, आई विल बी टॉकिंग अबाउट थर्ड ईयर स्टूडेंट्स ऑल्सो, काफी सारी चीजें कॉमन होंगी, बट मैं अभी उन बच्चे की बात कर रहा हूँ जो कि फाइनल ईयर के थे या पास आउट थे और जिनका अच्छा पेपर नहीं गया है। अच्छा पेपर से इन द सेंस मेरे को 90 की उम्मीद थी लेकिन मेरा 70 आया तो भी मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ मेरे हिसाब से, मतलब जो मैं उम्मीद कर रहा था उतना मेरा पेपर नहीं हुआ है। ठीक है, देन आई हैव 3 चॉइसेस। व्हाट आर दोस 3 चॉइसेस, क्विकली बताता हूँ सर। सबसे पहली चीज, आई हैव अ चॉइस टू फोकस ऑन अदर एग्जाम्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बार्क का एग्जाम होता है, अलग अलग एनटीपीसी के एग्जाम होता है, दुनिया भर के अलग अलग एग्जाम्स हैं जिनको मैं अपियर कर सकता हूँ। इफ यू वॉन्ट आई शो यू अ स्मॉल एक्सेल, मैं एक्सेल दिखाऊंगा आपको कि कौन कौन से अदर एग्जाम्स हैं, उनके फॉर्म्स कब कब आते हैं, किस किस तरीके से हो सकता है। बाद में आपको चाहिए तो आई विल शेयर दैट एक्सेल विद यू। ठीक है, आपको चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, आप मुझे पिंग कर सकते हो, मैं अपना नंबर दूंगा एंड ऑफ द सेशन में। सो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी फॉर एनी ऑफ द पीएसयू एग्जाम जो कि गेट के जैसे है और दूसरे एग्जाम से, जैसे बिट्स पिलानी का एग्जाम होता है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम है, ट्रिपल आईटी का हैदराबाद का एग्जाम है, सो यू कैन गो एंड फोकस ऑन दोज एग्जामिनेशन ऑल्सो। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट चॉइस यू हैव। सेकेंड, ड्रॉप एन ईयर एंड प्रिपेयर हार्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे थर्ड ईयर वाले बच्चों का भी रोल आता है कि यार चलो थर्ड ईयर में मैंने बहुत एक्सपीरियंस के लिए दे दिया था पेपर, अब मैं एक साल का अच्छे से प्रिपेयर करता हूँ एंड प्रिपेयर्ड हार्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। ये साल मैंने एक्सपीरियंस की खातिर दे दिया था, ठीक है, मेरा स्कोर बहुत ग्रेट नहीं आया है और अगले साल मुझे दम लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चॉइसेस आती है, शैल आई गो फॉर अ सेल्फ प्रिपरेशन और शैल आई गो फॉर एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, सो नाउ देयर आर टू थिंग्स, आई विल एक्सप्लेन ऑन दिस थिंग आल्सो। देखो, मेरा सजेशन है कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है, सेल्फ प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और गाइड इज नॉट अ टू डिफरेंट थिंग, इट इज अ कॉम्बो ऑफ बोथ। ठीक है, इवन इफ यू गो टू अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, द इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू गिव यू बेसिक फंडामेंटल्स। ठीक है, इंस्टीट्यूट क्या करने वाला है मैं आपको बताता हूँ, और फॉर दैट रीजन वट वी डू एट गेटफ्लिक्स और एनी अदर इंस्टीट्यूट गिव इज 3 चीजें देता है आपको यार। ठीक है, पढ़ना तो आपको सेल्फ स्टडी में, ये समझिए, अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जादू होता तो फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाने चाहिए था ना, क्यों 10-15% 20% बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बिकॉज इट इज नॉट द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इट इज द स्टूडेंट सेल्फ स्टडी विच मैटर्स अ लॉट। इंस्टीट्यूट क्या करता है वो बताता हूँ, सबसे पहली चीज आपकी पढ़ाई को स्ट्रक्चर करता है, एनी इंस्टीट्यूट विल मेक योर स्टडी स्ट्रक्चर्ड, मतलब आपको बताएगा पहले तो ये सब्जेक्ट पढ़, इतने हफ्तों में ये सब्जेक्ट खत्म कर, अब तू नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जा, आपका टेस्ट कंडक्ट करेगा, आपका टेस्ट का डिस्कशन करेगा। ठीक है, जैसे हम लोग गेटफ्लिक्स लाइव क्लासेस में करने लगे हैं अभी इस साल से कि डाउट सेशन, स्पेसिफिक डाउट सेशन हम लोग रख रहे हैं। सो द सेकंड थिंग इज स्ट्रक्चर करने के बाद, दैट इज डाउट्स, क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो शायद आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, फैकल्टी के साथ बैठ के आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सो सबसे पहली चीज इज स्ट्रक्चर, सेकंड इज डाउट, एंड द थर्ड वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विच प्रोबेबली स्टूडेंट फेल टू डू इन अ सेल्फ स्टडी मोड इज अ मोटिवेशन फैक्टर। आपको रेगुलर बेसिस पे आपका गोल याद दिलाते रहना, अपने आप से बात करते रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैकल्टी अपने टॉपर्स को लेके आते, जैसे हम लोग अभी 2 वीक के बाद एक सेशन करेंगे जहां पर हमारे टॉपर्स जो अपने इंस्टीट्यूट के टॉपर्स होंगे उनके साथ आपका इंटरेक्शन कराएंगे कि उन्होंने क्या पढ़ाई किया, कैसे किया। थोड़े टाइम पहले हमने एक IIT के कुछ कॉन्क्लेव किया था जहां पर एमटेक कर रहे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, हमने बच्चों से बातचीत कराई थी कि सेकंड ईयर स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं अभी IIT खड़गपुर में, IIT कानपुर में, उनके प्लेसमेंट्स क्या लगने हैं या किस तरह की चीजें हो रही, तो दैट इज अ मोटिवेशन फैक्टर। तो एक इंस्टीट्यूट का, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का बेसिकली ये काम होता है, और ये शायद आप अकेले मुश्किल हो जाता है करना, एंड इसीलिए आपको किसी ना किसी की जरूरत तो होती है, बट ये खाली करने से ही सब कुछ नहीं होने वाला भाई, आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही है, आपको नंबर ऑफ आवर्स तो डिवोट करनी ही है। आप सिंपल सा अगर मैथ्स लगाओगे तो, अगर मैं बोलूं तो आपके पास, अभी मैं आगे जाके बताऊंगा स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो,
प्लीज अंडरस्टैंड, ये थर्ड ईयर वालों के लिए भी बोल रहा हूँ, आपका पहला राउंड ऑफ कंप्लीशन टिपिकली अगस्त तक खत्म हो जाना चाहिए। अगस्त 2021 तक आपका सिलेबस खत्म हो चुका होना चाहिए। आप ये बोलने चाहिए कि सर मैंने एक बार सारी चीजें पढ़ ली, राइट, बिकॉज आफ्टर दैट यू विल हैव टू एटलीस्ट रिवाइज द सिलेबस टू टाइम्स, एटलीस्ट रिवाइज द सिलेबस टू टाइम्स। ठीक है, वी आर प्लानिंग वंडरफुल फॉर यू गाइज। इनफैक्ट बहुत कुछ है हमारे किटी में भी जो हम इस रिविजन कोर्सेज में और बूस्टर कोर्सेज में प्लान कर रहे हैं। देर इज अ बूस्टर प्रोग्राम ऑल्सो दिस ईयर जो कि केवल और केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्रिपेयर्ड है, जो केवल स्टूडेंट्स के लिए, केवल उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। दैट इज अ बूस्टर प्रोग्राम। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि ये आपका एक मोटा मोटा रफ प्लान होना चाहिए। मैं डिटेल में अभी आगे जाके बात करने वाला हूँ उसके बारे में, लेकिन मेक श्योर दैट अगर आप सेकंड वाली कैटेगरी में आ रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं ड्रॉप लेना चाहता हूँ, नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करना चाहता हूँ, तो मैंने इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, प्रिपेयर्ड हार्ड। छोटी सी भी गलती मत करना और छोटे से चीज के लिए अपने आप को रैंक खराब मत कर लेना। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नंबर थर्ड चॉइस मेरे पास क्या है, ज्वाइन अ कॉलेज और अ जॉब व्हाट इज अवेलेबल टू मी, राइट। कई सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं कि सर मेरे से और पढ़ाई नहीं होगी, बस मैंने जो कर लिया अब मैं कॉलेज, मेरे को जो मिल रहा है वहां रहता हूँ, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। या फिर जॉब मुझे प्राइवेट सेक्टर में जो छोटी मोटी जॉब मिल रही है 20,000 25,000 वाली 30,000 वाली, मैं उसको जॉब को ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है, आई एम नो ऑब्जेक्शन विद दैट, राइट। बट द पॉइंट इज आपकी इच्छा मर चुकी होनी चाहिए कि आपने पूरी ताकत लगा ली, ठीक है। ये वाला ऑप्शन उस बच्चे को जिसने कहा कि सर मैंने इस साल ना पूरी ताकत लगा ली थी, अब इससे ज्यादा मेहनत मेरे से नहीं होती। If you are in that category, go for this. Okay? Even people who drop for an year and prepare for next year, अगर आपका स्कोर मेरे ख्याल से 40 के आसपास है, तो आपको बहुत अच्छा ग्रेड PSU नहीं मिलेगा, आप बहुत अच्छा M.Tech कॉलेज भी नहीं मिलेगा, ठीक है। But my suggestion is take an M.Tech कॉलेज, M.Tech कॉलेज ले लीजिएगा, ठीक है। क्यों ले लीजिएगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। NIT के लिए CCMT की काउंसलिंग होती है, ठीक है, दिस इज फॉर ऑल द NITs. At a score of 40-50, you will definitely get NIT. कोई ना कोई NIT मिल जाएगा। इनफैक्ट IIT का भी कोई छोटा मोटा ब्रांच मिल जाएगा। At a score of 40, बहुत ही रेयर टाइप की ब्रांचेस होती है ना, वो मिल जाएंगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, IIT खड़गपुर के अंदर कई सारी ब्रांचेस चलती है, IIT कानपुर में कई सारी ब्रांचेस चलती है, जो बच्चे लेते ही नहीं है। यू कैन टेक दैट, सिंपल रीजन इज 12,400 आपको स्टाइपेंड मिलेगा, मतलब आपका खर्चा निकलता जा रहा है, ठीक है। सेकेंडली, आप फर्स्ट ईयर के बाद, अच्छा आप प्रिपरेशन करेंगे नेक्स्ट ईयर गेट की ही, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये तो आपका गैप टाइम अरेंजमेंट है, ठीक है। आप 12,400 लेते रहिए और एक साल के बाद यू कैन मूव आउट, गिविंग सम मेडिकल रीजंस और एनीथिंग एंड यू कैन मूव आउट, अगर आपका अच्छा स्कोर आता है नेक्स्ट ईयर। तो सपोज करो कि नेक्स्ट ईयर भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो उसी M.Tech को कंटिन्यू करके दो साल खत्म करके जॉब के लिए ट्राई करेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सो डोंट ड्रॉप एन ईयर कंप्लीटली इन योर प्रिपरेशन। माई सजेशन इज टेक अ कॉलेज, कॉलेज आप ऐसा ले सकते हो जहां पर आपको पता है कि ज्यादा वर्कलोड नहीं होने वाला है और मेरे को स्टाइपेंड मिलता रहेगा अगर मैं गेट क्वालिफाइड। अगर आप गेट क्वालिफाइड ही नहीं है, मतलब आपका 25-30 नंबर भी नहीं आया है, देन तो वो वाली ऑप्शन खत्म हो जाता है। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसको 35-50 के बीच का स्कोर है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। बट मेक श्योर दैट एनीथिंग विच इज लेस देन 50, एनीथिंग विच इज लेस देन 50, इफ योर स्कोर इज लेस देन 50, तो आपको बहुत ग्रेट कॉलेज या बहुत ग्रेट PSU नहीं मिलने वाला। सो या तो तुम ऑप्शन नंबर 1 में जाओगे, या तो तुम ऑप्शन नंबर 2 में जाओगे, या तो ऑप्शन नंबर 3 में जाओगे। आई एम टॉकिंग अबाउट एनीबॉडी हु इज स्कोरिंग लेस देन 50 शुड हैव दीज 3 चॉइसेस। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। बताऊं थोड़ा सा आगे अदर एग्जाम्स, फॉर एग्जाम्पल कि अदर एग्जाम्स कौन से हैं, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एक्सेल दिखाता हूँ आपको, इन केस दस आई विल शो यू द एक्सेल, आई होप द एक्सेल इज विजिबल टू एवरीबॉडी, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा बाद में अगर चाहिए तो, आई थिंक आई कैन शेयर इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप और माई टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो। BSNL अभी गेट के थ्रू ले रही है, बट कभी कभी अपना एग्जाम भी निकालती है, इसकी वेबसाइट दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। इसका सेपरेट एग्जाम भी आता है, ठीक है, इन द मंथ ऑफ जून, राइट। NTPC इस बार नया निकाल रही है, BEL, DRDO तो अब नहीं लेता है गेट के थ्रू, ठीक है, उसने कर दिया है। IOCL, ये सारी ONGC जहाँ जहाँ भी लिखा है, ठीक है, टिपिकली दीज आर मेंशन आउट देयर, कब इसके फॉर्म्स आएंगे, ठीक है, अगले फेब्रुवरी में, जनवरी में, तो दीज आर सम फॉर्म्स। PSU एग्जाम डेट्स, कौन कौन से PSU सेपरेट एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है, लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग। उनकी पे स्केल्स क्या होती है, महारत्ना कौन सी है, मिनी रत्ना कौन सी है, और उनकी सैलरी स्केल्स क्या है, ठीक है, एंड उनके क्राइटेरिया क्या है, आपको 10-12 कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है। यू कैन हैव अ लुक एट दिस, ये सारी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। आई शेयर दिस, ठीक है, ये PPT या एक्सेल आपको शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, आई शेयर दैट विद यू इन केस यू वांट, ठीक है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपका ऑप्शन है कि मैं नेक्स्ट एग्जाम की तरफ जाऊंगा, तो इन सब चीजों को
लेके चलिएगा, ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ठीक है। सो मैंने आपको ये बता दिया कि क्या क्या चीजें आप सोच सकते हैं, क्या क्या चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है, अदर एग्जाम्स के बारे में। देखो एक चीज आप इसमें ध्यान रखना, एक एक्सेल मैंने बना के दिखाया आपको, प्राइवेट जॉब के अंदर ना डोंट लुक एट द इमीडिएट जॉब विच यू आर टेकिंग, लुक एट अ 5 years प्लान, ठीक है। प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव टू थिंक ओवर 5 years प्लान, ठीक है। एक 5 साल का प्लानिंग आपको देखना होगा। लुक एट द सैलरी एस्पेक्ट्स, अगर आप एक 4-5 लाख की नौकरी से खुश हो जा रहे हो, एक आईटी कंपनी में इंफोसिस टीसीएस में जाके खुश हो जा रहे हो, जो कि शायद मुश्किल है 4-5 लाख की हर किसी को नौकरी मिलना, लेकिन अगर मिल भी रही है तो डोंट लुक एट दैट, बिकॉज आप सोचिए कॉर्पोरेट में आपको पता होगा 10-5% का ग्रोथ होता है ना, 7-8% का ग्रोथ होता है टिपिकली। मैं मान के चलता हूँ 20% का ग्रोथ ले लेते हैं, सो ये 5 लाख 20% के ग्रोथ से अगले साल 6 लाख हो जाएगा, अगले साल 7.2 लाख हो जाएगा, अगले साल 9 लाख के आसपास पहुंच जाएगा, अगले साल 11 लाख। तो इन 5 साल का पीरियड एट अ 20% ग्रोथ रेट, विच इज वेरी डिफिकल्ट, 20% का ग्रोथ रेट, ठीक है, यू विल रीच टू 11 लाख। कंपेयर टू दैट, इफ यू स्टार्ट विद योर पीएसयू जॉब, इवन इफ यू हैव टू ड्रॉप एन ईयर, माय सजेशन इज डू दैट बिकॉज योर स्टार्टिंग सैलरी विल बी हियर। तो आप 4 साल को कंपेयर कर जाओगे, समझ रहे हैं मेरी बात को। एंड आज की तारीख में गुड पीएसयूज आर गिविंग यू 15-18 लाख। जो एक र्यूमर फैल रहा है कि पीएसयू प्राइवेटाइज हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन अगर प्राइवेटाइज होंगे तो पार्शियल प्राइवेटाइजेशन होगा, मतलब कुछ परसेंटेज स्टेक प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा। दूसरी चीज, मान लीजिए रिलायंस ने उसमें स्टेक डाला 30%, तो रिलायंस पागल है क्या? अगर स्टेक डालेगा भी तो भी वो रिक्रूटमेंट तो करेगा यार, उन्हें टैलेंटेड इंजीनियर्स की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, समझिए बात को। पहली बात तो 100% रिलायंस का नहीं होने वाला, गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करा रही है, ठीक है। दूसरी चीज, पहली चीज तो ये पॉलिटिकल है, पता नहीं कब इंप्लीमेंट हो पाएगा। मैं कह रहा हूँ इंप्लीमेंट हो भी जाएगा तो भी रिलायंस पागल नहीं है, वो चाहेगी टैलेंटेड स्टूडेंट्स को लाना, और गेट क्या जैसा एग्जाम से बेहतर उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता बच्चों को रिक्रूट करने के लिए, ठीक है। सो वन थिंग इज, यहाँ पर आप पीएसयू जॉब्स को अगर आप देखो, पीएसयू से जॉब से मेरा मतलब खाली गेट के थ्रू नहीं, जो जितने भी टेक्निकल जॉब निकलते हैं उनसे मेरा मतलब है, जो कि अच्छा सैलरी पैकेजेस दे रहे हैं, द ग्रोथ पाथ इज रियली गुड, ठीक है, प्लस अलग अलग पर्क्स मिलते हैं वो अलग। इवन इफ यू गो फॉर एन एमटेक, ठीक है, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट एमटेक फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज, तो अगर आप वेरी गुड कॉलेज में जाते हो तो 2 साल तो कुछ नहीं, 12,400 मिलेगा खाली, उसमें तो आपकी कॉलेज की फीस भरनी होगी, ठीक है, क्योंकि हर महीने स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन अगर आप अच्छे कॉलेज में गए हो तो 3rd ईयर से आप टिपिकली 25 लाख से अपना एवरेज पैकेज स्टार्ट कर सकते हो। आज की तारीख में बहुत अच्छे पैकेज मिल रहे हैं, बॉम्बे आईटी, बॉम्बे आईटी दिल्ली, इवन आईटी रुड़की, आईटी खड़गपुर में प्लेसमेंट्स इज वेरी गुड इन कोर ब्रांचेस, अगेन आई एम सेइंग वेरी वेरी कोर ब्रांचेस, ठीक है, हर ब्रांच में नहीं मिलेगा, आप एवरेज निकालने जाओगे तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन आप कोर ब्रांचेस में देखिए बहुत जबरदस्त पैकेजेस हैं। मैं बच्चों से दिन रात इंटरेक्ट करता हूँ, आपको भी चाहिए किसी आईटी के बच्चे से बात करना, मुझे कॉन्टेक्ट करना, मैं बात करा दूंगा, ठीक है। बट द पॉइंट इज दे विल गिव यू द सेम फीडबैक कि अच्छी ब्रांच में जाओगे, अच्छे आईआईटी में जाओगे तो करियर है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। कुछ आईआईटी की ऐसी ब्रांचेस हैं जहां पर बच्चे केवल नाम के खातिर एनरोल्ड है और वो अगले साल के लिए गेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई आईएएस या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सो लुक एट दिस प्रोस्पेक्ट, लुक एट 5 years प्लान, ठीक है। जैसे एक सरकार का 5 साल प्लान होता है ना, आपको उस 5 साल के प्लान को ध्यान में रखते अपना डिसीजन लेना चाहिए। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। सर व्हाट विल हैपन इफ आई ड्रॉप एन ईयर, मेरा एक साल खराब हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। इवन इफ यू आर ड्रॉपिंग एन ईयर, अभी मैंने समझाया, मेक उसकी वसूली करनी है आपको, ठीक है, विद द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी, ठीक है, उसके साथ होना बहुत जरूरी है। लेकिन उस साल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेक अ स्ट्रैटेजी, ऐसे ही आंख बंद करके मत कर लेना कि यार ठीक है मैंने चालू कर दिया, ठीक है, डोंट डू दैट। प्लीज मेक श्योर यू कैन टेक गेटफ्लिक्स वीडियोज, ठीक है, वी आर टेलिंग यू कि बहुत ही इंप्रोवाइज वर्जन हम लेके आ रहे हैं, बहुत सारे नए नए चीजें हम लोग गेटफ्लिक्स में डाल रहे हैं, गेट 2021 तक के सॉल्व क्वेश्चंस वी आर पुटिंग अप, ठीक है, वी आर कमिंग अप विद बूस्टर बैचेस, एटलीस्ट आप वीडियो सब्सक्रिप्शन तो ले लीजिए, और अभी तो हमने 1 month, 3 month, 6 month का सब्सक्रिप्शन कर दिया, यू कैन बाय अ 6 month सब्सक्रिप्शन और अ 12 month सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू व्हाट एवर यू वांट, ठीक है। बट मेक अ स्ट्रैटेजी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कहाँ पे पढ़ूंगा, किस तरीके की चीजें करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। आप नेक्स्ट ईयर के लिए फाइट करेंगे, थर्ड ईयर के स्टूडेंट जिन्होंने किया है उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको एक स्ट्रैटेजी डेवलप करनी होगी, ठीक है। सेकंड, टेक प्रॉपर गाइडेंस, देखो यहां पर ना लापरवाही मत कर लेना कि चलो मैंने किताब मंगा ली अमेजोन से, ठीक है, एक मेडिजी का किताब ले लिया, एक फलाना इंस्टीट्यूट का किताब ले लिया और चालू कर दिया, डोंट डू दैट, प्लीज टेक प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटरशिप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये साल आपकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होगा, इसको बार बार रिपीट नहीं कर सकते आप, तो मेक श्योर दैट 10% भी कमी रह गई ना तो वो लास्ट में दुख देगा और बाद में आपको ये लगेगा यार ये होता तो अच्छा होता,
तो भाई थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर लेना, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगता है तो कर लेना, बट माय सजेशन इज डोंट प्ले विद योर करियर, क्योंकि ये एक 12 महीने जो नेक्स्ट 12 महीने है ना, तुम्हारी अगली 12 साल को डिफाइन करने वाले। द नेक्स्ट 12 इयर्स ऑफ योर लाइफ विल बी डिपेंडेंट एटलीस्ट ऑन योर नेक्स्ट 12 मंथ्स, सो डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। ठीक है, इफ यू वांट टू स्टार्ट, स्टार्ट विद योर वीकनेस, आपकी जो वीक सब्जेक्ट है। अगर आपने इस साल गेट लिखा, आपका स्कोर 20 है, 15 है, 30 है, 35 है, तो आपको ये तो पता है कि मेरे कौन से एरियाज वीक हैं, किन सब्जेक्ट्स को मैं ढंग से नहीं पढ़ पाया था। स्टार्ट विद दोज वीक सब्जेक्ट, पिक अप सब्जेक्ट्स, ट्राई टू फिनिश वन राउंड ऑफ कोर्स बाय अगस्त 31। टारगेट दे दीजिए अपने आपको, 31 अगस्त तक एक स्ट्रक्चर बना लीजिए कि मेरे को 31 अगस्त तक एक कोर्स कंप्लीट करना है अपना, बाय थ्रू एनी इंस्टीट्यूट और सेल्फ और व्हाटएवर यू आर डूइंग। मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया कि सेल्फ नहीं हो सकता, खाली इंस्टीट्यूट से भी नहीं हो सकता, इट हैज टू बी अ सेल्फ प्लस इंस्टीट्यूट, दोनों इलाके ही तुमको काम करना पड़ेगा। ठीक है, बट एक इंटरनल टारगेट रख लो कि अगस्त 31 तक मैं एक राउंड खत्म कर लूंगा, एक रिवीजन राउंड करूंगा सितंबर अक्टूबर। ठीक है, हम लोग इसमें एक और, इसलिए मैंने आपको कहा कि वी आर प्लानिंग समथिंग कॉल्ड एज अ बूस्टर कोर्स। अभी बूस्टर कोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ये डिमांड हमारे पास बच्चों से ही आई थी कि सर हमने ना 31 अगस्त तक या अगस्त सितंबर तक हमने तैयारी तो कर ली, अब हमें टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ, क्योंकि आप गेट का अब एग्जाम देखोगे तो वो खाली पास्ट ईयर गेट क्वेश्चन पे डिपेंडेंट नहीं है। इस साल का जो एग्जाम है वो खाली पास्ट ईयर गेट क्वेश्चन से नहीं निकलने वाला था, जिस ये तो करना ही है, मैं ये नहीं कर रहा ये नहीं करना है, ठीक है, लेकिन खाली पास्ट ईयर गेट क्वेश्चन करके जाओगे तो मार्क्स नहीं मिल रहा था। आप देख लीजिए नए टाइप के क्वेश्चन थे, और ये हर साल हो रहा है, पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ। ठीक है, सो मेक श्योर दैट द फर्स्ट स्टेप हैज टू बी पास्ट ईयर गेट क्वेश्चन, ठीक है, बट दैट कैन नॉट बी द ओनली स्टेज, दैट कैन नॉट बी द ओनली स्टेज, सो यू विल हैव टू सॉल्व डिफरेंट क्वेश्चन। सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज, रात को 9 से 11 एवरी डे मंडे टू फ्राइडे वी आर गोना डू एन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पर 2 घंटे फैकल्टी केवल नए नए क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, व्हाटएवर यू कैन डू इन 2 आवर्स, एंड फॉर एग्जांपल वन सब्जेक्ट दे हैव स्टार्टेड, तो 4-5 दिन वही सब्जेक्ट चलता रहेगा, ओनली थिंग यू विल बी डूइंग इज प्रैक्टिसिंग। लेकिन ये उसी के लिए, ये बूस्टर बैच उसी बच्चे के लिए है जो कि ऑलरेडी प्रिपरेशन करके बैठा है, जिसको पता है कि अब मुझे थ्योरी नहीं पढ़नी है, मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। ठीक है, इफ यू आर इन दैट लीग देन ओनली दिस सेशंस आर फॉर यू। ठीक है, यू कैन डू इट ऑन योर ओन, आई एम नॉट सेइंग करो, व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट मेक श्योर दैट दिस शुड बी योर प्लानिंग, ऐसा आपका प्लान होना बहुत जरूरी है। सेकंड रिवीजन भी होना चाहिए, जब तक अगर आप एक साल ड्रॉप ले रहे हो या फिर अभी आप थर्ड ईयर में हैं, तो मेक श्योर दैट एटलीस्ट 2 रिवीजन आर इंपॉर्टेंट। कई कई बच्चे 3-3, 4-4 बार रिविजन कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है तो आप 2 रिविजन तो मिनिमम कीजिए, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जरूर करना। प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन तो फर्स्ट ही होनी चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी क्वेश्चन, और इसीलिए शायद आपने CTQ का नाम सुना होगा, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, जो हमने स्टार्ट भी किया है और भी जगह पे आपको मिलेगा, एट अ वेरी वेरी मीगर प्राइस आपको मिल रहे हैं 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100, और इनफैक्ट पीपल हु हैव सीन दिस वुड एंजॉय दिस डेफिनेटली एट जस्ट वेरी वेरी मिनिमल प्राइस। ठीक है, पर सब्जेक्ट है ये, ठीक है, पर सब्जेक्ट CTQ मिल रहा है आपको, तो यू कैन बाय द होल प्रोग्राम ऑल्सो, नेटफ्लिक्स पे जाके यू कैन सी CTQ, दैट इज कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, और रियली रियली गुड क्वेश्चन है। हर CTQ का पहले 3 क्वेश्चन फ्री है, तो एटलीस्ट वो 3-3 क्वेश्चन तो कर लो, 5 वीडियो है उसमें 20-20 क्वेश्चन के, 3-3 क्वेश्चन फ्री डाले हुए, एटलीस्ट गो थ्रू दोज 3 वीडियोज एंड लुक एट दिस, व्हाट इज द टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट यू आर लुकिंग एट, एंड दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल हैव टू सॉल्व। डोंट कम बैक एंड से सर मैंने 2+2 प्रैक्टिस किया, मैंने 1000 क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन क्वेश्चन क्या सॉल्व किया, 2+2, 5+7, 8+9, 9+14, अरे भाई तूने प्लस करना ही सीखा, तो कॉन्सेप्ट तो एक ही सीखा है। ठीक है, डोंट से कि मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, समझ रहे हैं, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है कि इस तरह से प्लान करें आप। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। ठीक है, कि ये 3-4 चीजें आप कर सकते हो। अगर किसी को चाहिए कि PSUs में कौन से PSU कंप्यूटर साइंस के लिए होते हैं, क्या होते हैं, वेबसाइट पे आप ब्राउज किया, कुछ सब कुछ मिलेगा, कंप्यूटर साइंस के लिए भी PSU है, ऐसा नहीं कि नहीं है, जस्ट गो थ्रू द वेबसाइट, इफ यू वांट वी कैन शेयर यू द e-ब्रोशर। ठीक है, आपको e-ब्रोशर, आप मुझे व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट डालिए, मैं आपको e-ब्रोशर शेयर कर दूंगा, उसके अंदर सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई मिल जाएंगी। ठीक है, किरण, जो आपका सवाल आ रहा है कि मैं M.Tech करना चाहता हूं लेकिन मैंने गेट क्लियर नहीं किया है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, UPS देहरादून है, निर्मा यूनिवर्सिटी है, दुनिया भर के कॉलेजेस हैं, लेकिन बेटा वहां से M.Tech करने का कोई फायदा नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, डोंट लुक एट एनी कॉलेज जो कि गेट स्कोर के थ्रू नहीं ले रहा है, या फिर दैट इज, हाँ, आई विल बी शेयरिंग माय नंबर, सो इन केस एनीबडी वांट्स टू गेट इन टच विद मी, दैट्स माय ईमेल आईडी rohan@getflix.in, एंड दैट्स माय नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी,
टू गेट दिस पीपीटी और द पीएसयू लिस्ट और एनीथिंग ऑफ दैट काइंड तो कर सकते हैं. जसकरण, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने के लिए मेंटोर तो चाहिए यार, ठीक है, आपको एक हेल्प चाहिए. आप अगर किसी के साथ नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला. सो मेक श्योर दैट यू विल रिक्वायर वन और द अदर मेंटोर टू हेल्प यू, गाइड यू रेगुलरली. और मैंने बताया मोटिवेशन जरूरी होगा. क्लियर है? ठीक है, ओके. नाउ आई ओपन द हाउस फॉर क्वेश्चंस. इफ यू हैव एनीथिंग प्लीज पुट इट अप. सर ट्रिपल आई टी बी गेट भी लेते हैं? या सम ऑफ द ट्रिपल आई टी टेक गेट, सम ऑफ द ट्रिपल आई टी टेक देयर ओन एग्जाम. ठीक है विश्वा, यू कैन ब्राउज थ्रू डिफरेंट आईआईटीज वेबसाइट, ट्रिपल आईटी वेबसाइट. विकास डेफिनेटली यार इस स्कोर पे कुछ नहीं मिलेगा भाई, नेक्स्ट ईयर के लिए फाइट मारो. अगर एनीबडी स्कोरिंग लेस देन 35, एनीबडी स्कोरिंग 35 से कम कुछ नहीं मिलेगा बता रहा हूँ. अच्छा एनआईटी भी नहीं मिलेगा, पछताओगे एमटेक करने जाओगे तो, ना पीएसयू मिलेगा. सो मेक श्योर दैट यू आर टारगेटिंग एमटेक फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज विदाउट गेट इज ओके. नो अगेन मोनल आई एम टेलिंग, अगर कोई विदाउट गेट ले रहा है तो प्लेसमेंट नहीं मिलाएगा, ठीक है, और फिर फायदा नहीं है. दो साल आप डिग्री तो ले लोगे, खाली डिग्री करनी है तो बात अलग है. ठीक है, यस एन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है, पहले तो अपना नाम चेंज करो. और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ई ब्रोशर, यू कैन रिक्वेस्ट मी, आई विल शेयर दैट विद यू. ठीक है, फोरम इट इज बेटर टू डू इट फ्रॉम एलडी. ठीक है, अगर आपका पर्पस है कि मैं दोनों में से कुछ खास ग्रेड मिलेगा नहीं, निर्मा यूनिवर्सिटी या एलडी में से, बट अगर इन दोनों में से अगर आपको लगता है कि मुझे नेक्स्ट ईयर जाना है तो एलडी में ज्यादा पढ़ाई नहीं होगी, वर्कलोड नहीं होगा, तो आप अगले साल के लिए फोकस कर सकते हो. और आपका फोकस है कि नहीं सर मैं अगले साल नहीं गेट लेना चाहती हूँ तो मैं निर्मा यूनिवर्सिटी चले जाऊंगा, थोड़ा बहुत प्लेसमेंट का चांसेस है वहां पर. ठीक है, अदर एग्जाम फॉर केमिकल इंजीनियर अदर देन गेट. आदित्य आई विल शेयर दिस एक्सेल विद यू. ठीक है, ट्रिपल आई टी हैदराबाद इज वेरी गुड. ठीक है, ट्रिपल आई टी हैदराबाद इज वेरी गुड, डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स वेरी वेरी गुड. स्कोर रिक्वायर्ड फॉर आई आई टी हर्ष मिनिमम टू मिनिमम 55 to 65. एनटीपीसी एंड आईएसएल डोंट हैव वैकेंसीज इन सीएससी. या दैट माइट बी इशू. मैं ये नहीं कह रहा कि हर पीएसयू में वैकेंसी निकलती है, वो आपको, और वो हर साल जरूरी नहीं है, पिछले साल जो था इस साल जरूरी नहीं है. सो इट इज सब्जेक्टेड टू एवरी ईयर. किरण आई हैव टोल्ड यू. ठीक है, लॉट ऑफ यूपीएस देहरादून देख सकते हो आप, बहुत सारे कॉलेजेस देख सकते हो जो गेट के बिना भी मिलते हैं आपको. जैक एमटेक वाला रिपीट करो, आई थिंक आप वीडियो सुन लीजिएगा. ठीक है, सो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो अगेन. अच्छी कोडिंग स्किल्स भी फॉर सीएस. जसकरण डेफिनेटली थोड़ी सी कोडिंग स्किल्स अच्छी आनी चाहिए. ठीक है, जब आप एमटेक करने जाओगे तो ऑटोमेटिकली वहां पर कोडिंग स्किल्स सीखोगे. You will have to learn that. ठीक है, sufficient ever practice. Heath, my suggestion is you should join 2 to 3 test series. अगर आप next year के लिए prepare कर रहे हैं बेटा, तो खाली एक institute के test series पे dependent मत रहिए. Yes, definitely any institute will give you best of the test series. But अगर आप full focus उसपे focus कर रहे हैं, तो 2 या 3 test series जरूर लेनी चाहिए. ठीक है, तो सिविल का पैकेज अच्छी आईआईटी में कितना होता है? आईआईटी के लिए देखो, अगर सिविल की बात करो तो टिपिकली द पैकेज फॉर गुड आईआईटी आई एम टॉकिंग अबाउट इज समवेयर अराउंड 25 to 30 lakhs. द एवरेज इज सेम. ठीक है, विल आई गेट अ गुड एनआईटी और अ लोअर आईआईटी? यस यू कैन, एट अ स्कोर ऑफ अराउंड 40 to 50 यू कैन गेट इट. अभिषेक ठीक है, वी विल डू दैट. सर इज हियर, मैंने पढ़ा गेटफ्लिक्स पे. ओके अतुल, ट्रिपल आईआईटी का एग्जाम वैलिडिटी 1 year or 2 year? इट्स 1 year. विवेक एमटेक वाला अगेन रिपीट करो. जैक आई थिंक आई हैव टोल्ड यू. ट्रिपल आई टी दिल्ली एंड ट्रिपल आई टी हैदराबाद और डीआईसीटी में से कौन सी अच्छी कॉलेज 37 पे? आई थिंक यू गो फॉर ट्रिपल आई टी. ट्रिपल आई टी हैदराबाद विल बी द बेस्ट अमंग दीज. ठीक है, आई कैन डू एमटेक इन मैनेजमेंट कोटा? यस यू कैन, आप कर सकते हो, बट उसकी वैल्यू नहीं है किरण. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू मिस्टर किरण, राइट? इट्स नॉट गिविंग यू एनी वैल्यू. ठीक है, करण यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर फ्यू एनआईटीज. 35 प्लस स्कोर पे एनआईटीज मिल जाएगा. सीसीएमटी का वेट करो. ठीक है, कॉमन काउंसलिंग होता है, उसमें आप वेट कीजिए. यू कैन गेट एनआईटी, बट अगेन जो एनआईटी मिलेगा 35-40 के स्कोर पे, उसमें बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स की उम्मीद मत रखना. बेस्ट बुक फॉर एप्टीट्यूड, दक्ष, देयर इज नो बेस्ट बुक फॉर एप्टीट्यूड. माय सजेशन इज गेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लेगा, उसमें बहुत चीजें ऐड भी कर रहा हूँ. ठीक है, इस साल हम लोग कम से कम 50 घंटे का नए वीडियोज बना के मैं उसमें डाल रहा हूँ. So more than sufficient हो जाएगा. ठीक है, इतनी सारी प्रैक्टिस करा देंगे तो एप्टीट्यूड के लिए और कुछ पढ़ो ही मत. गेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन इज मोर देन इनफ. अतुल, आई थिंक वी कैन हैव अ सेपरेट सेशन ऑन दिस, की डिटेल्ड प्लान्स ब्रांच वाइज हम लोग करेंगे. वी कैन हैव अ सेशन ऑन दिस. सो वंस यू आर अ गेटफ्लिक्स स्टूडेंट, वी विल कीप ऑन डूइंग ऑल दोस थिंग्स फॉर यू. ठीक है, सर कितने मार्क्स चाहिए पीएसयू पाने के लिए? जयदीप, टिपिकली इफ यू वांट अ गुड पीएसयू, टारगेट 60 to 70 मार्क्स एटलीस्ट. ठीक है,
आईटी के क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, व्हाटएवर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर गेट, आई थिंक ध्रुव दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। द्विज बोल रहे हैं सर वैकेंसीज बहुत कम हो रही है ईयर ऑन ईयर, हार्डली 20-30 सीट्स, ऐसा नहीं है द्विज, नंबर ऑफ पीएसयूज हैव आल्सो इंक्रीज, ठीक है, दूसरी पीएसयूज भी इंक्रीज हुई है, इवन स्टेट पीएसयूज भी इंक्रीज हुई है, सो इट फ्लक्चुएट्स यार एवरी ईयर, ठीक है, बिकॉज कभी कभी इलेक्शन होते हैं उस तरह को चीज को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि सीटें कम हो रही हैं, इधर कम हो रही है तो कहीं और भी बढ़ रही है, तो वी हैव टू थिंक इन अ टोटल टोटलिटी, ठीक है। स्कोर फॉर आईआईटी बॉम्बे, शरद आई हैव टोल्ड यू समवेयर अराउंड 70 के आसपास तो स्कोर चाहिए यार, किसी भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो। वांट अ जूम क्लास, प्रांजल यू कैन गेट इन टच विद मी, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आई विल हेल्प यू ऑन दिस थिंग। एनीबडी हु वांट्स टू कम फॉर द लाइव क्लासेस, दिस सैटरडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच, In case अगर आपको कोई भी बैच ज्वाइन करना है, so you are most welcome, you can get in touch with me directly also. मैंने अपना नंबर दिया हुआ, ठीक है? मैं बहुत सारे धीरे-धीरे सवाल के जवाब दे रहा हूँ, अगर आपका क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहा है तो प्लीज जस्ट वेट कीजिएगा, आई हैव 99 मैसेजेस टू रीड, सो आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन, जस्ट होल्ड ऑन, मैं सबके आंसर दूंगा, चिंता मत करो, बट थोड़ा सा टाइम देना मेरे को। या उत्कर्ष, गुड, आई नो यू आर ऑलरेडी देयर विद मेंटरिंग एंड बूस्टर, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑन दैट। आईटी में कोई रेयर ब्रांच के लिए अब आईटी में प्लेसमेंट पे फोकस करे या फिर गेट के ही करना, पार्थ गो फॉर गेट ओनली, ठीक है, रेयर ब्रांच ले रहे हो तो गो फॉर गेट, प्लेसमेंट पे इतना फोकस मत करो। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए इसरो में वैकेंसी आती है, डिपेंड्स द्विज, ठीक है, हर साल नहीं आती, कभी कभी डेफिनेटली आती है। एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी अगरतला, ओके फॉर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, या ओके टाइप साहिल, ओके टाइप, अगरतला नहीं, एनआईटी हमीरपुर इज ओके, अगरतला तो यार मत जाओ, तो फायदा नहीं है, ठीक है। ध्रुव, आई थिंक आई हैव आंसर्ड, या किरण, आई विल डू दैट, ट्रिपल एट एग्जाम के रिजल्ट की वैलिडिटी आई हैव टोल्ड विवेक, वीडियो कहाँ मिलेगा, यूट्यूब पे तो नहीं है। जैक, दिस विल बी ऑन getflix.in, ठीक है, वेबसाइट का नाम है getflix.in, getflix 2.0 के बारे में बताइए। निहाल, आई थिंक आई विल टोल्ड यू कि getflix 2.0 में हम लोग बहुत कुछ बेटर कर रहे हैं, इस साल हमने करीब करीब 9000 रिव्यू स्टूडेंट के स्टडी किए हैं कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स के स्कोप है, फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट की लोडिंग स्पीड, वीडियो की क्वालिटी स्पीड, कंटेंट में कुछ कुछ चीजें हमें मिसिंग था, क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें अपडेट हो रही है, और आप धीरे 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 देखेंगे कि काफी कुछ इम्प्रोवाइज कर दिया। इनफैक्ट ई बुक्स और प्रैक्टिस बुक जो है वो डाउनलोडेबल फॉर्म में वी हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग, आप डाउनलोड कर सकते हो, ऐप आ चुका है, ऐप की स्पीड बढ़ रही है, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग ऑन निहाल। मे में लॉन्च होगा getflix 2.0, ठीक है, सो इट विल टेक अनदर 90 डेज प्रोबेबली, और मे बी अराउंड 70-80 डेज एंड वी विल लॉन्च द getflix 2.0। या सो ही मेनी टेस्ट सीरीज, आप मेरे से अलग से बात कर लेना, आई विल हेल्प यू ऑन दैट थिंग। आईआईटी मिल सकता है समय, बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन टॉप आईआईटी नहीं मिलेगा, ठीक है। ईएससी के लिए नहीं देवाशीष, वी आर स्पेशलाइज ओनली फॉर गेट, ठीक है। वीडियो कहाँ है, आई थिंक आई हैव आंसर्ड। जसकरण, आई हैव अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस स्टडी फील्ड, या जसकरण, आई थिंक यू शुड टेक समबडी एज अ मेंटर हु कैन गाइड यू ऑन दिस, ठीक है, बिकॉज बार बार वो चाहिएगा यार। NIT में तो मुबारक, इट इज वेरी लेस, बट IIT में इट इज रियली गुड। IIT में इफ यू लुक एट कंप्यूटर साइंस के पैकेज सबसे ज्यादा जा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट दे रही है अच्छे खासे पैकेज, एवरेज भी IIT का निकालोगे तो वो कम से कम 30 से 35 लाख जा रहा है, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए तो धमाकेदार जॉब है IIT, लेकिन टॉप IITs क्या कम होती है हीट, बिल्कुल कंप्यूटर साइंस वालों के लिए PSU में वैकेंसीज कम होती है, बिल्कुल सही बात है, मेनी PSUs कंडक्ट देयर ओन एग्जाम। ठीक है, आई थिंक आई हैव आंसर्ड most of your question. I'm confused, what should I prepare to know? Third year mechanical for PSU, first time prepare for GATE. Siddhant, ek bar mera number diya hua hai screen pe, aap mujhse alag se contact kijiyega, I'll help you on that thing, theek hai। By the way, agar maine kisi ka answer nahi diya hai kisi bhi karanvash, theek hai, aapka question miss ho jata hai, to mujhe alag se message pe baat kar lena, time le lena, hum phone pe bhi baat kar sakte hain, theek hai। Sir, 50 kya option hai, Amit, itni der se maine bataya bhai, 50 score walon ke liye thi sir baat batayi maine, theek hai। I don't want placement, want to prepare for government exam, then can I do M.Tech from college without getting entrance? Yes, that's okay. You can, Monal. If you want to just go for a degree thing, you can, definitely. IIT, I think, Parth, I have answered your question. When will be the new Getflix will come? It is already there, Siddhant. Aap abhi bhi buy kar sakte ho Getflix ko. Updates dheere hoti chale jayenge. Agle 3 mahine mein aap updates milti chale jayenge. Lekin aapko koi extra charge nahi lagega uska. You will definitely find that the updates are coming every now and then. Theek hai? Dheere updates usme milti chale jayenge. ठीक है। अभिजीत, टिपिकली इस स्कोर पे इफ यू आर इन द कैटेगरी यू कैन गेट द लोअर आईआईटीज पक्का मिल जाएगा। एक बार परसेंटाइल प्रेडेटर पे जाके अपना स्कोर डाल के देख लो, आपको पूरा मिल जाएगा। आप गेटफ्लिक्स परसेंटाइल प्रेडेटर सर्च करेंगे गूगल पे, आपको मिल जाएगा।
नो सुमंत, खाली गेटफ्लिक्स रिकॉर्डेड लेक्चर से आप 70-80 का स्कोर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार, दैट इज अ बेसिक हाइजीन। आप किताब खरीदते हैं ना, रेफरेंस बुक खरीदते हैं, खाली किताब से आप 70 का स्कोर नहीं ला पाओगे। अगर आपको सीरियसली 70-80 का स्कोर टारगेट करना है तो लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगे। ठीक है, क्या SRM जा सकते हो किरण? चैलेंजिंग के बाद मार्क्स सारे स्टूडेंट के बढ़े या फिर सिर्फ स्टूडेंट जिसने चैलेंज किया? अपूर्व, या IIT डिसीजन लेगा, दोनों केसेस हो सकते हैं। अपूर्व राज, खाली सबके भी बढ़ा सकते हैं IIT और जिसने चैलेंज किया उसके भी, तो माय सजेशन इज चैलेंज कर देना अगर आपके पास है तो कुछ। ठीक है सर, वेयर कैन आई गेट दिस रिकॉर्डिंग? अभिषेक, जहां से आपको लिंक मिला था उस पर कॉन्टेक्ट करो, या फिर मेरा नंबर दिया उस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेडिटेशन आई, आपने बोला है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आप वेट कीजिए, मेरा नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप उसको सेव कर लीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करिएगा, आई विल गिव यू द टाइम टू डिस्कस। ध्रुव, आई थिंक ऑलमोस्ट 60% मार्क्स चाहिए IIITs के लिए। नो, दे आर थ्रू अवर ऐप, एस्पिरेशन से मिलती है। ठीक है, या अल्टीमेटली इट इज जूम, बट व्हाइट बोर्ड क्लासेस है, टिपिकली इट्स देयर व्हाइट बोर्ड क्लासेस, इट्स नॉट जूम बेस्ड क्लासेस। डेफिनेटली विवेक, यू शुड, प्रांजल एक बार आप अलग से बात कर लें, आई विल हेल्प यू ऑन दैट लिंक। यस यू कैन उत्कर्ष, यू शुड इनफैक्ट, यस यस जेनी, इन केस यू गेट द वेरी गुड रैंक्स दे विल गिव यू डायरेक्ट एडमिशन विदाउट इंटरव्यू। ठीक है, अलॉन्ग विद द जॉब शरद, माय सजेशन इज अलॉन्ग विद द जॉब यू शुड डू। कोचिंग ज्वाइन सही होना चाहिए अपूर्व, मैंने सेशन में भी बताया यार, आप सेल्फ प्रिपरेशन ही कर रहे होंगे। ठीक है, खाली सेल्फ प्रिपरेशन अकेला काम का नहीं है, खाली कोचिंग भी काम का नहीं है, कोचिंग के साथ सेल्फ प्रिपरेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में जिसमें बात किया, अगर आप उसका रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप ले लीजिएगा, मैंने वही बात की थी कि दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है ना, NIT सूरत फॉर सिविल इज एवरेज कॉलेज, नॉट वेरी ग्रेट। Yeah, subscription price has increased. ठीक है, the price has increased, Siddhant. You may use, by the way, in case anybody wants a subscription, अभी ले लीजिए क्योंकि वो price further increase हो जाएगा, Netflix 2.0 May के अंदर it will further increase. Yeah, Heath, definitely. Definitely, Nihal, CTQ का version 2 भी हम लोग launch करेंगे. We are working on it, but that will be probably in the month of June, July. CTQ version 2. Yeah, we will be launching. Adrov, yes, definitely होंगे. I think you should go for Bits Pilani, Kiran. Okay, and then VIT or SRM. बाकी तो okay. Himanti, EC वालों के लिए है. I think I'll share you the brochure. You can see what are the PSUs. Sir, I had taken a recorded lecture, I think I'm getting 25 to 30 marks this year. Sir, is it possible to prefer getting along with a job or meeting? Faizan, my suggestion would be to join the weekend batch. We have only live classes only on weekend, Saturday, Sunday ko hoti hai. Taki aapka college bhi effect nahi ho raha aur job kar rahe ho to job bhi effect nahi ho rahi. Aur kabhi kabhi weekday mein classes hongi, that will be also 9 to 11 PM, raat ko. To job wale aur college wale bachcho ke liye hi wo plan kiya hua hai. Theek na? PSUs for EC, maine kaha aapko brochure send kar denge, aap dekh lijiyega usme se. बिट्स का तो टेस्ट गेट से इजियर ही होगा, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है ध्रुव। ठीक है, एवरी ईयर द पेपर पैटर्न फ्लक्चुएट, या वी विल डू दैट हीथ, डेफिनेटली वी विल डू दैट। इज इट गुड आइडिया टू अटेम्प्ट इसरो 2020 बिफोर गेट? यस यू शुड, उसमें क्या बुराई है, यू कैन डेफिनेटली। मिशन इज गुड 40 मार्क्स इज द प्लेसमेंट इज गुड इन द रेंज फॉर सिविल। 40 मार्क्स पे आप परसेंटाइल मेरिट पे जाइए जैक, आप देख सकते हैं वहां पर, आप वेबसाइट पे जाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा कॉलेज मिलेगा। IIT बॉम्बे के लिए सीए स्टूडेंट के कितने स्कोर मिनिमम होना चाहिए? मुबारक का समवेयर अराउंड 75 नाउ, IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस 75 मिनिमम। उत्कर्ष, आप कल्पेश्वर से कॉन्टेक्ट करो, वी कैन डू इट इन द नेक्स्ट वीक और दिस वीक ओनली, नो इश्यूज। NIT सूरत फॉर पावर सिस्टम इज एन एवरेज चॉइस राहुल, ठीक है, लेकिन अगर आपका स्कोर 40-50 के आसपास है तो दैट्स फाइन। New lectures will be uploaded, Chirag. Almost 50-55% new videos are coming up for Getflix 2.0. जितने हैं वो तो रहेंगे ही, काफी सारे नए videos भी upload हो रहे हैं। ठीक है, कई सारे subjects ही change हो जाएंगे।
बिकॉज कई जगहों पर फीडबैक इश्यूज थे, तो उनको हमने चेंज करके अच्छे फैकल्टीज से वापस से रिकॉर्ड कराए कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में, और कई जगह पर टॉपिक्स मिसिंग थे वो भी ऐड कराए, प्लस गेट 2021 तक के क्वेश्चन आ जाएंगे। अब अमृता देखिए, गेटफ्लिक्स 2.0 का जो वर्जन है वो थोड़ा सा कॉस्टली है, मतलब पहले के मुकाबले, पहले हम शायद 500 रुपए या 1000 रुपए में देते थे, अब शायद 2000 या 3000 होगा, और उसको थोड़ा सा प्राइस बढ़ाना होगा, बिकॉज इस साल हम वी आर वर्किंग ऑन द क्वालिटी, तो वी विल बी डेफिनेटली गिविंग यू क्वालिटी ऑन, ठीक है? यस डेफिनेटली वी कैन लुक फॉरवर्ड फॉर दैट, यू कैन अप्लाई टू मी, मेरा ईमेल आईडी लिखा है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप प्रीवियस ईयर रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे ही, क्या उत्कर्ष, यू कैन getflix.in, ठीक है, वेबसाइट इज getflix.in, आप वहां पर जाके आप सर्च करो, गूगल पे सर्च करो परसेंटाइल प्रेडिक्टर या रैंक प्रेडिक्टर ऑफ गेटफ्लिक्स, मिल जाएगा। माई सजेशन सिद्धांत, गो फॉर अ लाइव कोचिंग, ठीक है, रीजन बहुत है, लाइव कोचिंग में रिकॉर्डेड लेक्चर तो ई बुक तो आता ही आता है, ठीक है, लेकिन लाइव कोचिंग में सबसे अच्छी बात है मोटिवेशन, स्ट्रैटेजी, यू नो, रेगुलर स्टडीज, स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें होती है। सो माई सजेशन इफ यू आस्क मी, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करता हूँ या मैं गेटफ्लिक्स का फाउंडर हूँ, मैं, आप कुछ भी करिए, मैं ये नहीं कह रहा आप गेटफ्लिक्स कीजिए, बट इम्पैक्ट तो वहीं आएगा। या एन, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, यू कैन राइट मी एन ईमेल, नो प्रॉब्लम। व्हेन विल बी द न्यू बैच फॉर लाइव क्लासिंग, इस सैटरडे को स्टार्ट हो रहा है सिद्धांत, ठीक है। हाँ, उसी वेबसाइट की बात करूँ, पर्सनल प्रेडिक्टर पे जाओ, आपको एनआईटी मिल जाएगा। मुबारक, एज आई टोल्ड यू, अगर आप मोटिवेट नहीं रह पा रहे हो, टारगेट से हिल जा रहे हो, तो ओनली सोल्यूशन इज टू टेक अ मेंटर, कोई ना कोई मेंटर आपको लेना होगा, ठीक है। ओके, मोस्ट ऑफ द पीएसयूज कंडक्ट देयर ओन एग्जाम, काफी सारे हैं, आई थिंक आई विल शेयर यू द एक्सेल, तो आपको पूरा क्लियर आ जाएगा, ठीक है। जेनी, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, ओके, आई थिंक अगर मेरा कुछ सर 80 स्कोर करने के, तो कैसी स्ट्रेटेजी प्लानिंग होनी चाहिए? मुबारक, एक स्ट्रेटेजी सेशन आप गेटफ्लिक्स के यूट्यूब चैनल पर देखोगे, उसमें मिल जाएगा आपको हाउ टू स्कोर 80 प्लस, उसमें आपको देख लीजिएगा। या पार्थ, यू कैन थिंक ऑफ इट, फ्यू ऑफ द आईआईटीज विल गिव यू एमएस प्रोग्राम, आरए का प्रोग्राम होता है, रिसर्च असिस्टेंट 3 साल का, बट उसमें जॉब इतनी ग्रेट नहीं हो पाती, इट्स मोर ऑफ अ रिसर्च वाला थिंग। हीत, आप उसके लिए बेटा कॉन्टेक्ट कीजिए सेंटर पे, आपके रिस्पेक्टिव सेंटर पे, वही आपकी मदद कर पाएंगे, है ना। ये गेटफ्लिक्स का सेशन है और यहाँ पर हम केवल गेटफ्लिक्स की ही बात कर रहे हैं। अगर आप आइस गेट से हैं, यस आई एम इन्वॉल्व्ड इन बोथ द कंपनीज, बट आप सेंटर पे कॉन्टेक्ट कीजिए, दे विल हेल्प यू, ठीक है। या यू कैन विमल, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की भी लाइव क्लासेस करने हैं तो यू कैन डू दैट। माई सजेशन वुड बी मिस्टर एंड मास्टर्स विद, मतलब माई सजेशन इज गो फॉर द नेक्स्ट ईयर गेट, और इस साल तुम टीसीएस कंटिन्यू करना चाहते हो कर सकते हो, बिकॉज टीसीएस में फ्यूचर नहीं मिलेगा, मैंने आपको मैथमेटिक्स समझाया था उसके पीछे, ठीक है ना। चलिए गाइज, आई थिंक आई हैव आंसर्ड मेनी ऑफ योर क्वेश्चंस, नाउ इफ यू हैव स्टिल मोर क्वेश्चंस आप मुझे ईमेल लिख सकते हो, मैंने अपना नंबर दे दिया है, ठीक है, और आपको कुछ भी हेल्प चाहिए आप मुझे मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिप्लाई यू, ठीक है। So you can get in touch with me. Kiran, I think I have answered most of your questions. ठीक है, still if you have placement में कोई फर्क नहीं पड़ता है किरण, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी management कोटा से अगर गए हैं तो, ठीक है, या फिर drop लेके, तो Parth, I think आप मेरे से अलग से discuss कर लीजिएगा, message कर लेना, so I'll answer all your questions. ठीक है, चलिए guys, okay, bye, take care. Hope this session was fruitful to you. कुछ छोटा मोटा फायदा जरूर हुआ होगा, और by the way, अगर आपको और भी कोई help चाहिए, so you are most welcome, you can get in touch with me. मैं जितना पॉसिबल होता है उतना बच्चों का रिप्लाई जरूर करता हूँ, और डेफिनेटली मैं उसको हेल्प करता हूँ, ठीक है। यस यू कैन मिस्टर एन, यू कैन डू दैट, जॉब के साथ साथ भी आप गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइव क्लासेस भी जो होती हैं वो वीकेंड्स पे हैं, टिपिकली डिजाइन फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स एंड जॉब पीपल, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके भी मंडे टू फ्राइडे का टाइम बहुत टाइट रहता है, सैटरडे संडे को वो लोग फ्री होते हैं, और वीकडेज में जब भी क्लास होती है वो रात को 9 से 11 होती है, एंड दैट ऑल्सो वेरी वेरी फ्यू फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स। Hello guys, okay, bye bye, take care, bye, take care, see you in the next sessions whenever you will be interacting with me, okay, so bye, take care, bye bye.